हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपबॉट्स टोकन सेल के बारे में। सो एफटीएक्स में एक आईओ आ रहा है, सो अपबॉट्स। सो इस पर्टिकुलर टोकन क्या है, इस पर्टिकुलर टोकन सेल में कैसे पार्टिसिपेट करना एंड इस पर्टिकुलर टोकन का प्राइस कितने जा सकते हैं, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। एंड उसके साथ साथ इस वीडियो इस टोकन सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको $50,000 वर्थ ऑफ 30 डेज ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना होगा एफटीएक्स में। इस पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम आप कैसे जनरेट कर सकते हो, वो ट्रिक भी आपको बताऊंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन एंड फीडबैक मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपबॉट्स टोकन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अपबॉट्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, सो ये यूनिक ऑल इन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। इसमें मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड बॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एंड मल्टीपल एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर अपबॉट्स का प्लेटफॉर्म है, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ स्टेकिंग, लेंडिंग, बोरोस ऑन ऑल मेजर डीफाई प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। सो बॉट ट्रेडिंग अवेलेबल है, सो बॉट्स क्रिएट करके हम ऑटोमेट कर सकते हैं ट्रेडिंग। उसके साथ साथ ब्लॉकचेन बेस्ड वेब एंड मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी है। सो बहुत सारा फीचर्स है, सो बेसिकली एक ऑल इन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। सो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम ट्रेड विद अबाउट ऑन ये पर्टिकुलर मेजर एक्सचेंजेस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इस बॉट को यूज करके। सो इसका एक एडिशनल एडवांटेज है। सो उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर टोकन को मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। सो टोकन जो भी इस पर्टिकुलर अबाउट का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अबाउट UBXT टोकन है। सो उस पर्टिकुलर टोकन को हम इस पर्टिकुलर अपबॉट्स प्लेटफॉर्म में बहुत सारा वेज में यूज कर सकते हैं, एज ए प्रीमियम पे करना, सो एज ए सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स, तो जो भी ट्रेडिंग फीस है वो सारा हमको अपबॉट टोकन में पे करना होगा। वो इसका मेजर यूज केस होगा फॉर दिस टोकन। सो अभी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टोकन का कंप्लीट टोकन इकोनॉमिक्स, उसका सप्लाई कितना है, प्राइस इनिशियल प्राइसिंग कितना है, सो हमको प्राइस कितने ऊपर जा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इसका टोटल सप्लाई अराउंड 500 मिलियन अबाउट टोकन्स रहेगा, मैक्सिमम सर्कुलेटिंग सप्लाई। सो इस पर्टिकुलर टोकन में टोकन बर्न भी होगा, सो जो भी टोकन इनकम जनरेट हुआ उसका एवरी ईयर थोड़ा बर्न होगा टोकन। सो 21st मतलब नेक्स्ट ईयर को 15% टोकन जो भी इनकम में आया उसको बर्न करेगा। तो उसके बाद ऐसा ईयरली थोड़ा रिड्यूस होगा। सो उसके बाद टोकन एलोकेशन में हमको 3 टाइप ऑफ सेल्स हो रहा है। सो इंस्टीट्यूशनल सेल हुआ है, सो इंस्टीट्यूशनल सेल मतलब बिग प्लेयर्स होगा जो भी लाइक एफटीएक्स भी इन्वेस्ट किया होगा इसमें, सो उसका सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद प्राइवेट सेल हुआ है, सो प्राइवेट सेल में जो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों के लिए टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड अपकमिंग आईओ है वो एफटीएक्स एक्सचेंज में, सो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देन इसका ऑलमोस्ट मेजर टोकन्स प्राइवेट एंड प्राइवेट सेल में हुआ, इंस्टीट्यूशनल सेल में हुआ। 6% ऑफ टोकन्स हमको एफटीएक्स आईओ में सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा। सो मेजर थिंग, हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका टोकन का इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई बिटवीन 100 मिलियन to 120 मिलियन टोकन्स के आसपास होगा। सो इवन हम वर्स्ट के सिनेरियो लिया तो भी 120 मिलियन टोकन्स होगा एंड 120 मिलियंस मल्टीप्लाइड बाय इसका इनिशियल प्राइस होगा अराउंड 1.32 के आसपास, 0.0132 हमको मैक्सिमम बिट किया तो, अगर इस पर्टिकुलर एफटीएक्स आईओ में मैक्सिमम बिट किया तो इतना प्राइस होगा मल्टीप्लाई किया तो। इसका इनिशियल मार्केट कैप होगा ओनली 1.5 मिलियन गए, सो बहुत ही कम है। सो इस टोकन का मार्केट कैप इवन 10 मिलियन रीच हुआ तो भी इजीली रीच होने का चांसेस है। सो मेरे हिसाब से इस कॉइन का प्राइस इजीली 5x होने का चांसेस है, अप टू 10x भी होने का चांसेस है, बट 5x तो इजीली हो जाएगा। सो इसलिए इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए आप तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो अभी हम टोकन के बारे में डिस्कस किया, ये टोकन अबॉट के बारे में डिस्कस किया, इसका प्राइस के बारे में भी डिस्कस किया। सो अभी हम इस पर्टिकुलर टोकन सेल में कैसे पार्टिसिपेट करना वो भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, आपके पास एफटीएक्स का एक्सचेंज का अकाउंट होना जरूरी है एंड उसमें केवाईसी लेवल 2 कंप्लीट करना होगा। सो एफटीएक्स का अकाउंट अभी तक नहीं है तो मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सो रेफरल लिंक यूज करके अकाउंट क्रिएट कीजिए, सो मुझे भी थोड़ा रेफरल बोनस मिलेगा। सो उसके बाद आपको टोकन सेल होगा 14 सितंबर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 6:30 PM टू 7:30 PM के बीच में। सो 1 आवर का ऑक्शन पीरियड होगा। सो ऑक्शन में हम मैक्सिमम बिड कर सकते हैं ऑफ 100 USDT एंड 8 FTT टोकन। सो 1 FTT टोकन का वैल्यू है आज के हिसाब से अराउंड $4, सो $4 से भी कम है। सो 4 × 8 लिया तो $32 हो रहा है प्लस $100, सो टोटल हमको $132 का प्राइस लग रहा है और फॉर टेकिंग 10,000 अबॉट टोकन। सो हमको ईच टोकन का वैल्यू हो गया $0.0132। सो बहुत ही अंडर वैल्यूड है गाइस इस पर्टिकुलर टोकन का प्राइस। सो
और भी प्राइस इंक्रीज होने का चांसेस है। सो इसमें फर्स्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जो भी FTX एक्सचेंज है उसमें आपको $50,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना होगा। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है। सो अभी तक जो भी FTX में IEO पार्टिसिपेट हुआ, IEO टोकन सेल्स था, उसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई सब यूजर्स को एक एक टोकन एक एक बिड करने का चांस मिल रहा था। अभी ये पर्टिकुलर हाई वॉल्यूम जनरेट करने का रिस्ट्रिक्शन है। सो $50,000 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो अराउंड $78, 39 लाख रुपीज इन INR हमको इसमें ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करना होगा। सो आपको एक छोटा ट्रिक बताऊंगा, उससे आप जनरेट कर सकते हैं इजीली। सो आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, 30 डेज का ट्रेडिंग वॉल्यूम में लास्ट 1 आवर में $91,400 वर्थ ऑफ ट्रेड वॉल्यूम जनरेट किया। सो बहुत ही ज़्यादा है। सो ये बट ज़्यादा रिस्की भी है इसमें। सो वो कैसे कर सकते हो वो भी बता दूंगा। उससे पहले आपको एडिशनल टिकेट्स कैसे अर्न कर सकते बता दूंगा। सो वंस आपका टोकन सेल फिनिश होने के बाद आपका टोकन फुल्ली अनलॉक होगा, आप ट्रेडिंग में बाय और सेल कर सकते हो उसको। देन उसके बाद आपको एडिशनल टिकेट चाहिए तो ओनली एक टिकट मिलेगा आपको $50,000 ट्रेड वॉल्यूम एंड KYC लेवल 2 है तो। उसके साथ साथ एडिशनल टिकट चाहिए तो आपको FTT टोकन्स होल्ड करना होगा 10 डेज, लास्ट 7 डेज में 10 टोकन्स का एवरेज है तो आपको वन मोर टिकट मिलेगा। सो इसलिए मैंने अराउंड 70 FTT टोकन्स परचेस किया है। सो कल तक होल्ड किया तो मुझे 10 डेज का डेली एवरेज मिल हो जाएगा। देन उसके बाद एडिशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया तो आपको एडिशनल टिकट मिलेगा। सो मैं ऑलमोस्ट $100,000 रीच करूंगा आज करके, थोड़ा 5-10 मिनट्स और ट्रेडिंग करके करूंगा। सो मेरा ऑलमोस्ट 3 टिकेट्स होगा, 3 टिकेट से मैं पार्टिसिपेट करूंगा। सो ये है इसका मेजर थिंग। इसमें ऑलमोस्ट ओनली 2000 विनर्स को टिकट एलोकेशन होगा। सो 2000 टिकेट्स को एलोकेशन होने के बाद उसको टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो सारा लोग हाई प्राइस में बिड किया तो उसमें लकी ड्रॉ होगा। सो ऑब्वियसली लकी ड्रॉ ही होगा, उसमें जो भी सेलेक्ट होगा उसको टोकन मिलेगा। सो अभी आपको ट्रिक बताऊंगा। सो आपका ट्रिक मेजरली क्या है, सो इसमें FTX एक्सचेंज में हम लिवरेज ट्रेडिंग करना होगा। सो लिवरेज ट्रेडिंग के थ्रू हम ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें हम 10x लिवरेज में ट्रेडिंग करना होगा। सो अब बहुत केयरफुली इसमें ट्रेड करना होगा। सो जो भी आपको हाई रिस्की है, सो लॉस होने का चांसेस भी है। सो आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है तो तभी आप इसमें ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना। सो अभी आपको दिखा दूंगा इसमें क्या करना है। सो फर्स्ट थिंग आपको इसमें, सॉरी गाइस, सो इसमें मैंने सब अकाउंट क्रिएट किया। सब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सब अकाउंट में जाके एक क्रिएट सब अकाउंट करके ऑप्शन मिलेगा। सो सब अकाउंट इसलिए क्रिएट कर रखी, सो मैं इस पर्टिकुलर सब अकाउंट में ट्रेडिंग करके आपको दिखा सकता हूँ। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था, ट्रेडिंग एंड के पास मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ आफ्टर ट्रेडिंग फीस। सो ट्रेडिंग मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में 2 Ethereum ट्रांसफर कर रहा है। सो आप देख सकते हैं 2 Ethereum। सो वंस 2 Ethereum ट्रांसफर होने के बाद सब अकाउंट में स्विच करूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का वैलिड बैलेंस देख सकते हैं आप, ओनली 2 Ethereum है अवेलेबल में। सो इसका टोटल वैलिड बैलेंस है अराउंड $737। सो इस $737 से मैंने $91,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया इन 1 आवर। सो अभी आपको सिंपल थिंग है इसमें। सो आपको एक ऐसा कॉइन सेलेक्ट करना होगा सो जो पैरेलल मतलब लीनियर वे में जा रहा है, साइडवाइज वे में। सो मैंने Ethereum सेलेक्ट किया। सो जब मैं ट्रेड कर रहा था तब Ethereum का प्राइस कॉन्स्टेंटली साइडवाइज जा रहा था, थोड़ा $2 अब $2 डाउन ऐसा जा रहा था बहुत देर से। सो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर टोकन को सेलेक्ट किया एंड इस पर्टिकुलर टोकन में हमको सेम प्राइस में बाई ऑर्डर प्लेस करना है एंड विद इन दैट एक 2-3 सेंट्स नीचे या ऊपर हमको फिर उसको रिवर्स ऑर्डर प्लेस करना होगा। सो विद इन सेकेंड हमारा ट्रेड बाई एंड सेल हो जाएगा एंड हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, दैट टू इन 10x लिवरेज। सो वो भी आप ध्यान में रख लीजिए, 10x लिवरेज में आपको लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है सडन प्राइस मूवमेंट्स में। सो अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड स्टार्ट करने से पहले मैं आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन में अराउंड $5,500 वर्थ ऑफ ट्रेड वॉल्यूम ऑलरेडी है उसमें। सो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा इसमें। आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन में देख सकते हैं थोड़ा इस पर्टिकुलर $368 के आसपास प्राइस अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट जा रहा है। सो मैंने थोड़ा अराउंड 368.40 सेंट्स के आसपास 1 Ethereum का 10x लिवरेज में एक बाय ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर प्लेस किया। सो थोड़ी देर में फिर करेक्ट करके 42 सेंट्स के पास एक ऑर्डर प्लेस किया। इधर देख सकते हैं $368.42 के पास मेरा शॉर्ट ऑर्डर प्लेस हुआ है। सो अभी मुझे क्या करना है, सो सिंपल ट्रिक। सो 368.38
सेंट्स के पास, मतलब 4 सेंट्स लोअर प्राइस में मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर, लॉन्ग ऑर्डर और क्लोज ऑर्डर प्लेस करना होगा, सो ताकि मुझे सिंगल ट्रेड में विद इन सेकेंड्स बाई एंड सेल हो रहा है। सो इधर देख सकते हैं मेरा 10x लेवरेज में $6,634 वर्थ ऑफ ट्रेड वॉल्यूम हुआ है वन बाई ऑर्डर में। सो अभी इसको सेल किया तो सेम अमाउंट होगा, सो वन बाई एंड सेल ऑर्डर में मुझे $13,000 वर्थ ऑफ ट्रेड वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हम सारा मेकर ऑर्डर्स करना है, सो मेकर ऑर्डर्स के लिए एफटीएक्स एक्सचेंज में फ्री है। सो टेकर ऑर्डर्स किया तो इतना वॉल्यूम के लिए आपको ज़्यादा ट्रेडिंग फीस में चले जाएगा, सो केयरफुली आपको मेकर ऑर्डर्स प्लेस करना होगा। सो अभी आपको इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया उसको क्लोज करके आपको दिखा दूंगा, सो लाइव डेमो में। सो बाय ऑर्डर अभी जो मैं शॉर्ट किया, अभी इसको लॉन्ग करके 42 सेंट्स के पास है ना, सो सेम मैं 32 सेंट्स के पास, 38 सेंट के पास इसको क्लोज करूंगा, सो विथ ओनली 0.11% ऑफ प्रॉफिट। सो बट इस पर्टिकुलर एंटायर प्रोसेस में मुझे, मेरा टारगेट ओनली वॉल्यूम जनरेशन है, सो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं है, सो बट लॉस नहीं होना है, सो विदाउट लॉस मुझे वॉल्यूम जनरेट करना है, इसलिए मैं मेकर ऑर्डर प्लेस करना है। सो इस पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस किया, सो विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, बट अब देख सकते हैं सो फ्यू सेकेंड्स के लिए मेरा PNL -$8 के आसपास गया था, सो ये इसमें रिस्क हो सकता है। सो एक बार मैंने अराउंड 7-8 टाइम सेम रिपीटेशन किया, सो एक बार मुझे ऑलमोस्ट $30-$40 नेगेटिव में चले गया था, बट फिर भी लकीली वो करेक्शन होके फिर मेरा ऑर्डर करेक्ट हो गया। सो अभी आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स सो मेरा ऑर्डर क्लोज हो गया, 0.11% प्रॉफिट मिला है, बस मुझे प्रॉफिट का ध्यान नहीं है, बट ऑलमोस्ट $13,000 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। सो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया, सो $45,000 वर्थ ऑफ ट्रेड वॉल्यूम किया मैंने, उसके बाद और भी ट्रेडिंग किया, सो इसमें एफटीएक्स में थोड़ी देर बाद हमको अपडेट होगा इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो अभी के हिसाब से मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम इधर देख सकते हैं 98,000, सो जब मैं वीडियो स्टार्ट किया तब $91,000 था, सो इसमें थोड़ा डिले है इसलिए थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। सो अभी $98,000 वर्थ ऑफ ट्रेड वॉल्यूम हो गया मेरा 30 डेज में। सो अभी थोड़ा 2000 का ट्रेड किया तो मेरा $100,000 हो जाएगा एंड मुझे एडिशनल टिकट भी मिलेगा। सो बट ये कम्प्लीटली हाई रिस्की थिंग है, सो आप जो भी आपको ट्रेडिंग में आइडिया है तो आप जो मैंने बताया वो आपको क्लियरली समझ में आया तभी आप इसमें ट्रेडिंग कीजिए, सो नहीं तो आप ये ट्रिक यूज मत कीजिए, सो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आप कम्प्लीटली लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है इसमें। सो हाई रिस्की है, सो ध्यान से आपको ट्रेड करना होगा। सो इधर देख सकते हैं मेकर फीस 0 है, इसलिए आपको मेकर ऑर्डर्स ही प्लेस करना है। सो ट्रेड ऑर्डर, टेकर ऑर्डर्स प्लेस किया तो आपको 0.06% का ट्रांजैक्शन फीस लगेगा, वो बहुत ही ज़्यादा है। सो मैंने बीच में एक $10,000 वर्थ ऑफ ट्रेड के लिए टेकर ऑर्डर लगा था मेरा, सो बट एनीवे मैंने बाद में लॉसेस सारा रिकवर किया। सो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में देख सकते हैं, अभी दिखा दूंगा मेरा वैलेट बैलेंस एट द एंड ऑफ $98,000 वॉल्यूम जनरेशन, मेरा वैलेट बैलेंस में 2 Ethereum वैसे ही है, सो एंड एडिशनल $3.6 मुझे प्रॉफिट में है। सो मुझे प्रॉफिट इसलिए मिला, थोड़ा एक दो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल था इसलिए मुझे $3.6 प्रॉफिट मिला, बट मेरा मेन इंटेंशन था वॉल्यूम जनरेशन। सो अभी ऑलमोस्ट $98,000 का वॉल्यूम जनरेट हो गया। सो ये है गाइस आज का ट्रिक, हाउ टू जनरेट $50,000 ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इन 1 आवर। सो मैं ऑलमोस्ट वन आवर के अंदर मैंने पूरा $98,000 का ट्रेड जनरेट किया। $1-2-3 सेंट्स के ऊपर नीचे बाई सेल करना है बस, सो आपको सक्सेसफुली वॉल्यूम हो जाएगा एंड आपका एलिजिबिलिटी मिल जाएगा एंड आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट अबाउट टोकन सेल। इस पर्टिकुलर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा हिंदी चैनल नया चैनल है, तेलुगु में मेरा ऑलरेडी 3 ईयर्स है वीडियोज डाल रहा हूँ, सो ये नया चैनल है इसलिए थोड़ा कम सब्सक्राइबर्स है, सो इस जरूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे मेरे चैनल को, और ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज मेरे चैनल में आएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो एटलीस्ट लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन एंड फीडबैक मेंशन कीजिए। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।